नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन शुरू करेंगे हिंदी शिक्षण की विधियों को। और हिंदी शिक्षण की विधियों में अपन जो हिंदी के तीन मुख्यतः भाग होते हैं, एक तो गद्य भाग होता है, एक पद्य भाग होता है और एक व्याकरण का भाग होता है, इन तीनों की अलग अलग विधियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन गद्य शिक्षण की बात करेंगे दोस्तों, उसकी कौन कौन सी विधियाँ इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि भाषा शिक्षण की विधियों से संबंधित मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने डाल दिया है। 4 वीडियो उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, भाषा शिक्षण विधियों से संबंधित है, उनको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गद्य जो शब्द है वो गद्य धातु से बना, गद्य जो शब्द है वो गद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट करना, ठीक है दोस्तों। गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं, इसके दो प्रकार के उद्देश्य माने जा सकते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है दोस्तों। सामान्य उद्देश्य क्या हैं, विशिष्ट उद्देश्य तो दोस्तों वही हैं जो अपन बीएड में पढ़ते हैं, वो आपको मैं आगे बता दूंगा, जैसे कौशल है, ज्ञान उपयोग है, अभिवृत्ति, अभिरुचि, आपका जैसे ये ज्ञानात्मक पक्ष है, इसके अलावा आपका अवबोधात्मक उद्देश्य है, तो ये जो है ये तो विशिष्ट उद्देश्य है। लेकिन सामान्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि बच्चे की भाव अभिव्यक्ति पर विशेष बल इसमें दिया जाता है, भाषाई कौशलों का विकास, सृजनात्मकता का विकास करना जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास करना भी इसका उद्देश्य होता है, इसके अलावा शब्द भंडार में वृद्धि, व्याकरण का ज्ञान करवाना, वाचन कौशल में दक्ष बनाना जो है, और सस्वर वाचन व मौन वाचन में दोनों में दक्ष बनाना जो है वो गद्य शिक्षण का उद्देश्य दोस्तों होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मौन वाचन है वो केवल गद्य शिक्षण में, सो आपका जो गद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण जो है उसमें ही सिर्फ मौन वाचन होता है, पद्य शिक्षण में जो है वो मौन वाचन दोस्तों बिल्कुल काम का नहीं होता, क्योंकि कविता कभी भी मौन रूप से नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन गद्य शिक्षण में मौन वाचन काफ़ी कारगर साबित होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे इसके सामान्य उद्देश्य, अब बात कर लेते हैं विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में। पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो दोस्तों ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है, यह बच्चों को पाठ से प्राप्त होने वाले नवीन ज्ञान के बारे में होता है, जो पाठ से बच्चों को नया ज्ञान प्राप्त होता है एक प्रकार से वो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर अवबोधात्मक उद्देश्य, तो किसी शब्द का तुलनात्मक अध्ययन, अंतर करना आदि इसमें आते हैं, यानी कि बच्चे को अगर अपन तुलना करना और किन्हीं शब्दों में तुलना करना, उनमें दोनों में अंतर करना अगर सिखा देते हो तो इसका मतलब अपन ने अवबोधात्मक उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद है ज्ञान उपयोग, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्राप्त ज्ञान का उपयोग बच्चा दैनिक जीवन में किस प्रकार से कर सकता है, अगर ये अपन ने सिखा दिया तो ज्ञान उपयोग का जो उद्देश्य है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है कौशल, तो भाषा संबंधी कौशल जैसे शुद्ध उच्चारण, तर्कपूर्ण वार्तालाप का गुण, प्रभावी वक्ता, लेखन कौशल आदि का विकास जो वो जो अगर अपन कर देते हैं बच्चे में तो उसके कौशल का विकास जो वो अपने आप हो जाता है। फिर अभिवृत्ति, अभिवृत्ति यानी कि नवीन ज्ञान या पाठ को पढ़कर बच्चे के स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये आता है अभिवृत्ति में यानी एटीट्यूड में, सॉरी। इसके अलावा बात करें अभिरुचि की, तो पाठ के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना इसके अंतर्गत दोस्तों आता है, यानी कि पाठ को पढ़कर बच्चे को रुचि जागृत हुई या नहीं हुई, अगर हो जाती है तो अभिरुचि का जो उद्देश्य है वो अपन ने दोस्तों 100% प्राप्त कर लिया। तो ये हैं दोस्तों इसके सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अब बात करेंगे अपन जो इसके बारे में, आपके गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में, और गद्य शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, पहली है इकाई विधि, दूसरी है अनुकरणात्मक विधि, तीसरी है व्याकरण अनुवाद विधि, चौथी है आपकी अभिकर्मित अनुदेशन विधि, पांचवी है भाषा शास्त्रीय विधि, छठी आपकी व्याख्यान विधि, सातवीं प्रश्नोत्तर विधि, आठवीं श्रुत लेखन विधि और नौवीं है आपकी वाचन विधि। दोस्तों जो इकाई विधि है, अनुकरणात्मक विधि है और व्याकरण अनुवाद जो विधि, ये तीनों विधियाँ दोस्तों मैंने आपको भाषा शिक्षण की विधियों में कंप्लीट करवा दी हैं, अगर आपने नहीं की हैं
तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने डाल रखा है प्लेलिस्ट बना करके उसको आप देख सकते हो। उनमें आपको ये विधियाँ दोस्तों 100% मिल जाएंगी। तीसरे या चौथे वीडियो में ये विधियाँ, तीसरे वीडियो में आपको ये विधियाँ या दूसरे वीडियो में ये विधियाँ आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से कर सकते हो। व्याकरण अनुवाद विधि जो है वो तो आपको पहले ही वीडियो में दोस्तों मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों अभिकर्मित अनुदेशन विधि की। तो ये मैंने आपको बताया था अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में। तो अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, इसमें छात्र को शिक्षक की आवश्यकता दोस्तों नहीं पड़ती है। जो छात्र होता है वो स्वयं अपनी योग्यताओं अभिक्षमताओं से अध्ययन करता है। शिक्षक की जगह कोई भी अभिकर्मित अनुदेशन की सामग्री जो है को छात्रों के सामने रख दिया जाता है और बच्चे उसी के आधार पर जो है वो इसमें सीखते हैं। यानी कि इस विधि में अभिकर्मित अनुदेशन में बच्चे स्वयं ही करके सीखते हैं, अध्यापक की नई आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी ये अभिकर्मित अनुदेशन विधि जो है वो स्वयं करके सीखने पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि करके सीखने पर भी आधारित है और स्वयं करके सीखने पर भी आधारित है, यानी कि लर्निंग बाय सेल्फ डूइंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट विधि अपनी भाषा साहचर्य विधि। तो भाषा साहचर्य विधि के जो जनक हैं या प्रतिपादक हैं वो है मारिया मोंटेसरी, और मारिया मोंटेसरी की जो विधि है उसी के उसी में उसमें अपन पढ़ाते कैसे हैं, जैसे एक कह लिखा हुआ है नीचे जो है अपन इसमें कबूतर का साथ में निशान भी बना देते हैं, यानी कि बच्चे को चित्र दिखा करके जो है वो एक प्रकार से अक्षर का ज्ञान करवा वर्ण का ज्ञान करवाया जाता है। तो वही विधि है आपकी भाषा साहचर्य विधि, इसमें जो है अक्षर दिखा करके चित्र दिखा करके साथ दिखा करके दोनों को और वर्णों का ज्ञान जो है वो करवाया जाता है। नेक्स्ट अपनी विधि है व्याख्यान विधि। दोस्तों व्याख्यान विधि गद्य शिक्षण की प्राचीन विधि मानी जाती है। इस विधि में केवल अध्यापक ही सक्रिय रहता है, छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता मात्र होते हैं। यानी सिर्फ बोलता सिर्फ अध्यापक, बच्चे सिर्फ सुनते रहते हैं। तो काफ़ी नीरस विधि भी इसको बोला जा सकता है। अब दोस्तों सब व्याख्या किस किस की करता है, शब्दों की व्याख्या करता है उद्बोधन विधि से, ठीक है, या फिर व्याकरण सम्मत विधि से। उद्बोधन विधि से कैसे, करके सीखने पर आधारित। उद्बोधन जो विधि है वो करके सीखने पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा जो अर्थ निकलवाया जाता है, यानी बच्चों को शब्दों की व्याख्या अगर अध्यापक करता तो कैसे करता है, उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि में उद्बोधन विधि से करता है। उद्बोधन विधि में क्या होता है कि बच्चों से अध्यापक जो विभिन्न क्रियाएँ करता है, अलग अलग प्रश्न पूछता है और उनसे खुद से जवाब निकलवाने की कोशिश करता है। उसके बाद है व्याकरण सम्मत विधि। तो व्याकरण के साथ साथ व्याख्या करना जो होता है वो व्याकरण सम्मत विधि में होता है। इसमें उपसर्ग संज्ञा समास आदि की व्याख्या जो है वो की जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं श्यामपट सारांश क्या होता है। तो दोस्तों पाठ के केंद्रीय भाव को बताने हेतु जो है वो श्यामपट सारांश काफ़ी आवश्यक होता है। यानी पाठ में जो जो केंद्रीय भाव है, यानी कि भाव क्या, किस चीज़ से संबंधित पाठ है, इस चीज़ को बताने के लिए जो है वो श्यामपट सारांश काफ़ी मददगार साबित होता है। तो ध्यान में रखिएगा श्यामपट सारांश जो किस चीज़ में उपयोगी है, पाठ के केंद्रीय भाव को बताने हेतु उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक और लास्ट विधि की। इस वीडियो सेगमेंट की लास्ट विधि है प्रवचन विधि। तो ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत पर यह विधि आधारित है। शब्दार्थ बताने की भी ये उपयुक्त विधि है। शब्द के बदले ऐसा शब्द बताना जिससे उस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो सके। यानी कि इस विधि में प्रवचन विधि में क्या करते हैं, शब्दार्थ बताने की ये उपयुक्त विधि मानी जाती है और शब्द के बदले ऐसा शब्द इसमें बताया जाता है जिससे उस शब्द का आसानी से बच्चे को अर्थ समझ में आ जाए। यानी कि एक प्रकार से कोई कठिन शब्द है तो उसका सरल पर्यायवाची शब्द बता दिया जाता है जिससे बच्चे जो वो उनको समझ सकें। तो दोस्तों ये थी आपकी हिंदी शिक्षण की विधियाँ। कुछ कुछ विधियों गद्य शिक्षण विधियों की अपन ने बात कर ली हैं, कुछ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जब सब्सक्राइब कर लोगे और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन है उसको आप जब आप प्रेस करोगे तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन जो हमारे जब भी मैं वीडियो आपको डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो का जो है वो फ़ायदा उठा पाओगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो साथी नए हैं उनके लिए है कि ठीक सुबह 7 बजे जो है रोज़ाना ठीक सुबह 7 बजे हिंदी का वीडियो जो है वो अपलोड हो जाता है और ठीक 11 बजे जो है वो मैथमेटिक्स का वीडियो जो है वो अपलोड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में
एक और नए टॉपिक के साथ और शानदार विधियों के साथ, ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।